हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टोन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं सर, और सच में यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी केमिस्ट्री तीन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर मैं आपको दो केमिकल्स देता हूँ तो क्या दो केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि चलो अगर रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कितनी स्पीड में होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा, एक सेकंड में होगा कि एक दिन में होगा कि एक साल में होगा। चलो ठीक है, फास्ट है कि स्लो है, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि थोड़ा बहुत रहेगा। यानी तीन क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर पहले क्वेश्चन का आंसर देने का काम थर्मोडायनामिक्स करता है। पहला क्वेश्चन कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सर हर वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाता है, जिसको आपको करवाना नहीं पड़ता, हम उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सर आपने कभी अगर लेबोरेटरी में टाइट्रेशंस किए रहेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशंस, तो हम एसिड और बेस को जब टाइट्रेट करते हैं अपने आप सॉल्ट और वाटर बन जाता है। मुझे उसको हीट करके या उसको हिला के या उसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज करके नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। सर मेरा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको थर्मोडायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। और थर्मोडायनामिक्स को अगर समझना है, उसमें क्या समझना सबसे जरूरी है, उसमें यह समझना सबसे जरूरी है कि अगर मेरा एक रिएक्शन अपने आप होगा तो वो कौन सी कंडीशंस हैं या वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको अपने आप होने पर मजबूर करेंगे। हम एक एक करके इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे सर। सर थर्मोडायनामिक्स का अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो थर्मोडायनामिक्स ने धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पहले के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स की जब पढ़ाई स्टार्ट किया, जब उन्होंने थर्मोडायनामिक्स का एवोल्यूशन करना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। सर याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा कि थर्मोडायनामिक्स इज एन ऑब्जर्वेशनल साइंस। ये ऑब्जर्वेशनल साइंस है जहां हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, हम उस ऑब्जर्व की हुई चीज के पीछे हम थ्योरीज देते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्सपेरिमेंटल रूप देके या थ्योरेटिकल रूप देके उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। सर जो पहली चीज जो दिमाग में आई हर साइंटिस्ट के, वो थी कि कोई भी चीज अगर रिएक्ट होती है तो वो रिएक्शन इसलिए करेगी क्योंकि उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। सर हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को देखे। सर हम लोगों ने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि अगर मेरे पास एक पहाड़ है, इफ आई हैव गॉट अ पहाड़, मेरा वाटर हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, कभी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाता, पर ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है। आपको उसको धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप आके नीचे गिर जाता है। आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, आप अगर किसी चीज को धरती से ऊपर हैंडल करते हो, आप उसको छोड़ दो तो अपने आप वो नीचे आके गिर जाती है। सर यहां से मुझे ये समझ में आता है कि अगर कोई चीज है और अगर वो हाई एनर्जी पे है, इट्स एट हाई एनर्जी, तो वो हमेशा कोशिश करेगी लो एनर्जी पे आने का। सर क्योंकि मेरे किसी भी चीज का स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सर पूरी की पूरी केमिस्ट्री 118 एलिमेंट्स आर ट्राइंग टू बिकम स्टेबल। सर ये पूरे यूनिवर्स स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है और इसी स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री हो जाती है सर। और स्टेबिलिटी आती है एनर्जी से। अगर एनर्जी कम है तो वो चीज बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, और अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सर 118 एलिमेंट्स, नॉट ओनली 118 एलिमेंट्स, उनसे बने हुए कंपाउंड्स, उनसे बने हुए मॉलिक्यूल्स, हर चीज ये कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं मैं स्टेबल हो जाऊं, और अगर मुझे स्टेबल होना है तो मुझे मेरी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। सर यहीं से थर्मोडायनामिक्स का पहला ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्ट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, भाई क्यों होगा, जरूरत क्या है होने की। भाई अगर रिएक्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास HCl है और मेरे पास NaOH है, अगर मैं दोनों को रिएक्ट करता हूं और रिएक्ट करने के बाद अगर वो मुझे NaCl और वाटर देता है, सर जरूरत क्या है, व्हाट्स द नीड, व्हाई HCl विल रिएक्ट विद NaOH, जरूरत क्या है HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करने की। NaOH इज अ स्टेबल कंपाउंड, HCl इज अ स्टेबल कंपाउंड, व्हाई आर दे रिएक्टिंग, दे आर रिएक्टिंग बिकॉज उनके रिएक्ट होने के बाद जो मुझे कंपाउंड मिलेगा वो एनर्जेटिकली ज्यादा स्टेबल होगा। तो सर मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मेरे रिएक्टेंट्स का एनर्जी ज्यादा है
तो ही वो और वो रिएक्ट होने के बाद अगर एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे बना के देते हैं जो एनर्जेटिकली लेस एनर्जी वाला होगा, तो सर मेरा रिएक्शन बिना किसी की मदद के या बिना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जहां उसका एनर्जी कम होता है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है और अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब रिएक्टेंट का एनर्जी हाई होगा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा। सर इसका मतलब तो ये हो गया, चलो ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं। सर इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मेरे रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है, अगर ये मेरे ये वाई एक्सिस पे हम ड्रॉइंग एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, तो सर मेरे रिएक्टेंट का एनर्जी अगर इतना है तो विद टाइम मेरे प्रोडक्ट का एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बाद जाता है, मुझे नहीं लेना देना वो कैसे जाता है। पर सर अगर मेरे ये रिएक्टेंट का एनर्जी है तो ये मेरे प्रोडक्ट का एनर्जी होना चाहिए, द एनर्जी मस्ट डिक्रीज। और सर जब एनर्जी डिक्रीज होगा तभी स्टेबिलिटी आएगी, और जब स्टेबिलिटी आएगी तभी रिएक्टेंट अपने आप रिएक्ट होकर प्रोडक्ट की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पहले के साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्वेशन निकाला। तो सर मैं यूं कह सकता हूं कि हर वो रिएक्शन अपने आप होगा जहां एनर्जी कम होने वाली। और सही बात है सर, अगर आप देखो आप नेचर में यही होता है, हर वो चीज अपने आप होती है जहां उसकी एनर्जी कम होती है, तो केमिकल्स में भी यही होना चाहिए। तो पहले के लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन निकाल के दिया कि हर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी अगर कम हो रही है तो जा किधर रही है, एनर्जी इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल के आ रही, भाई रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो बची हुई एनर्जी कहां गई, बची हुई एनर्जी मैंने रिलीज कर दी है, जाओ सराउंडिंग ले लो अपने पास, तो सर एनर्जी बाहर आएगी। तो सर हम कहेंगे कि हर वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिया में कहूंगा, हर वो रिएक्शन वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा जो एक्सोथर्मिक होगा। तो मैं यूं कह सकता हूं कि हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। मतलब अगर एक ऐसा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट बनाएगा, क्या वो रिएक्शन अपने आप होगा? अरे सर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे रूल के हिसाब से हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाना चाहिए, ना कि लो एनर्जी से एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी पे जाना चाहिए। पर सर अगर सिर्फ एनर्जी क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनना प्लीज, अगर सिर्फ एनर्जी क्राइटेरिया है तो सर कुदरत में यूनिवर्स में वही रिएक्शन होने चाहिए जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, यानी हर वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होता है। बट सर आई एम सॉरी, मैं कुछ एग्जांपल लिखना चाहूंगा। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, दैट इज इन सॉलिड स्टेट। NaCl को आप पानी के अंदर डाल दो, गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na+ Cl- aqueous। सर आइस का मेल्ट होना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप आइस को बाहर लाके रख दो आइस अपने आप मेल्ट हो जाती है, आपको करना नहीं पड़ता। और अनफॉर्चुनेटली मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर नमक का पानी में डिसॉल्व होना, सर आप कभी नमक को पानी में डिसॉल्व करके देखो, सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, सॉल्यूशन ठंडा होता है इसका मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है। सर डिसॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अपने आप होता है, आपको करना नहीं पड़ता। तो ये कहना कि सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे, ये बहुत गलत होगा। क्यों गलत होगा? सर कितने एग्जांपल्स हैं केमिस्ट्री में जहां पे रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है फिर भी स्पॉन्टेनियस होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्राइटेरिया नहीं हो सकता ये बताने का कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो सर अगर एनर्जी क्राइटेरिया नहीं है तो अगला क्राइटेरिया क्या होगा? सर तो साइंटिस्ट ने यह ढूंढना स्टार्ट किया कि अगर एनर्जी क्राइटेरिया नहीं है, वॉट इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑन विच whether the reaction will be spontaneous or not non-spontaneous, ये depend करेगा। तो सर इसी में हमने जो पहली खोज की वो एनर्जी की थी। हमने सोचा कि हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, पर हमने ये देखा कि बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ एनर्जी क्राइटेरिया है, मैं ये नहीं कहता कि एनर्जी क्राइटेरिया नहीं है, सर है एनर्जी क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट शुड बी मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वरना बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। पर सिर्फ एनर्जी क्राइटेरिया है क्या? क्योंकि अगर सिर्फ एनर्जी क्राइटेरिया होता तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कभी अपने आप नहीं होते। तो सिर्फ ये कहना कि एनर्जी इज द ओनली क्राइटेरिया, इट्स रॉन्ग, देयर इज समथिंग एल्स जिसके ऊपर मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो डिपेंड करता है। स्टे ट्यून्ड टू फाइंड द नेक्स्ट फैक्टर। Just stay with me.